आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आई एम मैम शाजिया कौसर फ्रॉम किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। होपफुली यू विल बी फाइन। डियर किड्स, बिफोर स्टार्ट टू लेसन ऑन डेली बेसिस, फर्स्टली वी लर्न व्हाट इज़ डे टू डे। टूडे इज़ थर्सडे। टूडे इज़ थर्सडे and the date is 25th March 2021। Dear kids, आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? इस्लामियात का, जो कि हम रिपीट कर रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। सब स्टूडेंट्स अपने सामने डायरी वर्क रखें, जो 1 वीक का आपको इशू किया गया है। जी बेटा, इस्लामियात। इस्लामियात का पहला सवाल है, जो कि हम दोहराई में पढ़ेंगे, इस कायनात का निज़ाम किसके कब्ज़े में है? इस कायनात का निज़ाम किसके कब्ज़े में है? जिसका जवाब है बेटा, इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। अगला सवाल है, ज़िंदगी और मौत का मालिक कौन है? जिसका जवाब है बेटा, ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इस कायनात को सबको रोज़ी कौन देता है? सवाल नंबर 3 है, सबको रोज़ी कौन देता है? जिसका जवाब है, सबको रोज़ी अल्लाह ताला देता है। अब हम बढ़ते हैं नाजरा की तरफ, सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने की दुआ। What should we say when we go downstairs? We should say Subhan Allah. Subhan Allah. Subhan Allah. Which means glory be to Allah. Alright, let's come to the second dua, which is what should we say when we go upstairs? We should say Allahu Akbar. Allahu Akbar. Which means Allah is the greatest. जी डियर किड्स, अब हम कुरान का पढ़ेंगे। कुरान का पेज नंबर 7 है। फर्स्ट 3 लाइन्स हमने रीड करना सीखनी है दुरुस्त तलफ़ुस के साथ। इसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, इन 3 चीज़ों की पहचान करवाई गई है। सब बच्चे अपने सामने नाजरा की किताब खोलें और सफ़ा नंबर 7 देखें। जी, अरबी हरूफ़ तहज्जी की नज़म। नज़म पढ़ने से पहले हम इसमें ज़बर, ज़ेर और पेश की पहचान करना सीखेंगे। आप सब देखें, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मी, मीम पेश मो, मा मी मो, मा मी मो। आगे है बेटा, अगली लाइन है, बे ज़बर बा, बे ज़बर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़बर बी, बे पेश बू, बा बी बू। दोबारा पढ़ेंगे, मा मी मो, बा बी बू, वाओ ज़बर वा, वाओ ज़बर वी, वाओ पेश वू, बा वी वू। दोबारा पढ़ेंगे, मा मी मु, बा बी बू, वा वी वू, फे ज़बर फा, फे ज़बर फी, फे पेश फू, फा फी फू। अगली लाइन है, से ज़बर सा, से ज़बर सी, से पेश सू, सा सी सू। अगली लाइन है बेटा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़बर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। आखिरी लाइन है हमारी, ज़ोए ज़बर ज़ा, ज़ोए ज़बर ज़ी, ज़ोए पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ठीक है, मा बा वा फा, ज़ा सा ज़ा ज़ा, ये आपने बेटा याद करना है। उम्मीद है आप अपनी असाइनमेंट वर्क भी मुकम्मल कर चुके होंगे। जो कि असेसमेंट आपको कॉपी पे तैयार की गई थी, वो आपने बेटा कल स्कूल में जमा करवा के अगली असेसमेंट हासिल करनी है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।